मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तय कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल के हरियाणा निवास में अहम बैठक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के चयन को लेकर यह बैठक की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के तय कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब उनकी काफी अहम बैठक होने वाली है हरियाणा निवास में। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के चयन को लेकर यह बैठक की जाएगी और हमारे साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथी हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़े हैं तमाम जानकारियों के साथ। जितेंद्र, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में बदलाव कर दिया गया है, अब उनकी काफी अहम बैठक है चंडीगढ़ में ही। नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के चयन के हवाले से बेहद अहम ये बैठक है, तफसील से बताइए मुख्यमंत्री की इस बैठक के बारे में। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा निवास चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उनकी एक बैठक अभी कुछ ही पलों पहले शुरू हो चुकी है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक के अंदर मौजूद है। बैठक का उद्देश्य है हरियाणा में जो सूचना आयुक्त लगने हैं उसको लेकर के ये बैठक की जा रही है, जिसको लेकर के आवेदन सरकार के समक्ष आए हैं। इन आवेदनों में से किसे सूचना आयुक्त लगाया जाए, इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये कमेटी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं और इस कमेटी के जरिए ही ये चयन किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया को लेकर के ये बैठक इस वक्त हरियाणा निवास चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो चुकी है। जी मुमताज, तो जितेंद्र बैठक शुरू हो गई, काफी अहम ये बैठक थी। अब तमाम कार्यक्रमों में तब्दीली कर दी गई है मुख्यमंत्री के, आज जितने भी प्रोग्राम थे क्या उन सब में फेरबदल हो गया है? देखिए बिल्कुल, जो तयशुदा कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के थे उसके मुताबिक उन्हें कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक कार्यक्रम के अंदर शिरकत करनी थी। इससे पहले भी उनके जो कार्यक्रम है वो तय किए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए रवाना होना था और कल से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो दौरे हैं वो पलवल के अंदर शुरू होने वाले हैं। पलवल की 3 विधानसभाओं के अंदर, जो ज़िले के अंदर आती है, उन विधानसभाओं में जो गाँव के अंदर जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करना था। इससे पहले ही वो आज शाम को दिल्ली उनका ठहराव जो है वो रहने वाला था, लेकिन अभी तब्दीली हुई है और अब इस तब्दीली के बाद किस तरीके से कार्यक्रम दोबारा जो है वो तय किया जाता है, क्या दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, कुरुक्षेत्र का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो तब्दीली हुई है, इस बैठक के बाद ये पता चल पाएगा कि अब आगे जो मुख्यमंत्री के जो तयशुदा कार्यक्रम है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन ये तय है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचे हैं और इसके बाद अब आगे के जो कार्यक्रम है उन्हें रिशेड्यूल करने का काम जो है वो किया जाएगा और कल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12, 13 और 14 अप्रैल अगर हम बात करें तो पलवल के अंदर रहेंगे, जहां जो प्रमुख गांव है वहां पर तय कार्यक्रम उनके किए गए हैं और उन गांव के अंदर जाकर के जनसंवाद करने का कार्य काम जो है वो किया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो अपने तयशुदा कार्यक्रमों को छोड़ करके मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा निवास में पहुँच करके सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो ये कमेटी की बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा निवास में करने के लिए पहुंचे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और साथ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद हैं और जो उनके पास जो आवेदन आए हैं सूचना आयुक्त को लेकर के, उन आवेदनों में ये कहा जा सकता है कि छटनी को लेकर के या फिर जो जो भी अपनी कमेटी के हिसाब से ठीक इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए जो व्यक्ति होगा उसके चयन को लेकर के ये पूरी प्रक्रिया इस वक्त हरियाणा निवास के अंदर चल रही है। जी जी जितेंद्र, हम आपसे लेते रहेंगे अपडेट्स। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर, इस तमाम जानकारी के लिए।